हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिट टू एडिटेक्स। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि आप कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग के बारे में। तो यार, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। ओके, तो टाइम वेस्ट के बिना चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड गाइस, इतना करने के बाद आपको सिंपली यहां के प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड आपको अपनी फोटो इंपोर्ट कर लेनी है। तो गाइस, अभी हम यहां पर अपना फोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। फोटो इंपोर्ट करने के बाद यहां पर गाइस आपके मॉडल का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर मैं अभी कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड को रिमूव करके रखा हुआ है। इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको प्लस के आइकॉन पर क्रिएट पर क्लिक करके एडिट फोटो पर क्लिक करना है। एंड एडिट फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इम्पोर्ट करना है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं जो भी फुटेज बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसे वहां जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम यहां पर अपने मॉडल के लिए एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा खराब है बीच में। तो गाइस, इससे खराब होने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ बीच में मॉडल फिट हो जाएगा, तो बैकग्राउंड से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड फिर गाइस आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड अपने मॉडल को इंपोर्ट करना है जिसे आपने भी कटआउट करके निकाला है। तो गाइस, हम यहाँ पर सिंपली मॉडल को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली रबर के टूल पर क्लिक करना है एंड इरेज पर क्लिक करना है। फिर इसकी जो साइज है उसे कम करना है एंड हार्डनेस को इंक्रीज करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको जो फोटो रूम का लोगो है उसे रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको सिंपली टिक के आइकन पर क्लिक करके एंड फिर से टिक के आइकन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। फोटो को सेव करने के बाद गाइस आपको ड्रॉप टूल पर जाना है एंड आपको फिर लेयर के बटन पर क्लिक करना है। एंड लेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि एक एम्प्टी लेयर सेलेक्ट हो। ओके, एंड इतना करने के बाद गाइस आपको लेयर पर फिर से क्लिक करना है जिससे हट जाएगा। ओके, फिर आपको कलर पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सिंपली एक लाइन खींचना है एंड आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। फिर से लेयर पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने जो लाइन खींची है आपको उसे बड़ा कर लेना है एंड आपको मॉडल के पैर के पास इसे कुछ नीचे की तरफ आपको लगा देना है। ओके, देन गाइस इसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर लेना है एंड फिर से एक बार हम टिक कर लेते हैं। तो गाइस, अभी लगभग हमारी फोटो पिक्सआर्ट से जो हमें एडिट करनी थी वो एडिट हो चुकी है। तो गाइस, अब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, इतना करने के बाद गाइस यहां पर अब हम करेंगे फोटो की कलर ग्रेडिंग। तो हम इस फोटो को पहले लाइट रूम में ओपन करते हैं। लाइट रूम में ओपन करने के लिए आपको सिंपली लाइट रूम ऐप को ओपन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फिर गाइस यहाँ पर आपको ऑल फोटोज पर क्लिक करना है एंड ऑल फोटोज पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। सॉरी गाइस, ये गलत फोटो चूज हो गया। यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ एंड इस फोटो को ऐड पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमारी ये फोटो इंपोर्ट हो चुकी है एंड इसे इंपोर्ट होने के बाद गाइस आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड फिर प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद आपको इसकी सेटिंग को बेसिक से आर्टिस्टिक पर चेंज करना है। एंड आर्टिस्टिक में जो फोर्थ नंबर पर प्रीसेट दिया हुआ है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। एंड इतना सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको इसकी जो ऑपेसिटी है उसे इंक्रीज कर देना है। तो गाइस, अभी हमने ऑपेसिटी को भी इंक्रीज कर दिया है एंड फिर आपको टिक पर क्लिक करके ओके कर देना है। एंड इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली कलर पर क्लिक करना है, फिर आपको मिक्स पर क्लिक करना है एंड इसके बाद गाइस आपको यहां पर ऑरेंज कलर पर क्लिक करना है। एंड गाइस, जो ऑरेंज कलर का सैचुरेशन है उसको आपको डाउन कर देना है। एंड सैचुरेशन को डाउन करने के बाद गाइस आपको इसकी जो लुमिनेंस है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। ओके, फिर आपको गाइस डन पर क्लिक कर लेना है। तो डन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको फिर इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड थोड़ा सा इसमें विनिट ऐड करना है। एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करने के लिए डिटेल्स पर क्लिक करना है एंड शार्पनिंग को और बढ़ाना है। ओके, फिर गाइस आपको रेडियस को 2.10 के करीब रखना है एंड डिटेल्स को रखना गाइस आपको 61 के करीब। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा शार्प हो चुका है तो हम शार्पनिंग को कम कर देते हैं। ओके, तो गाइस आप भी अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसे देखकर सेट कर सकते हो। ओके,
फिर गाइस आपको नॉइस रिडक्शन पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। सो गाइस आपको फिर से डिटेल पर क्लिक करना है एंड आपको फिर ऊपर शेयर के बटन पर क्लिक करके इसे सेव टू डिवाइस कर लेना है। तो गाइस अभी आपकी फोटो हो चुकी है एडिट और अब आप इसे सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।